हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अभी से शुरू चैनल पे। फ्रेंड्स, आ गई है व्हाट्सएप की लेटेस्ट अपडेट। आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप के आई बटन के रिलेटिव, इसमें बहुत सारी सेटिंग होती है फ्रेंड्स, आपको नहीं पता है। अभी न्यू अपडेट आई है फ्रेंड्स 2021 की, ये कैसी होती है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम ए टू जेड कंप्लीट करने वाला हूं फ्रेंड्स इस वीडियो में। चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप पे जाएंगे, व्हाट्सएप को खोलना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने व्हाट्सएप पे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, जहां बीच में रहता है ऐप इन्फो, ऐप इन्फो को हमने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें फ्रेंड्स कितना कुछ होता है आपको शायद नहीं पता अभी क्या कुछ होता है। आज की वीडियो में ये पूरा डिटेल में मैं कवर करने वाला हूँ ए टू जेड फंक्शन के बारे में, ठीक है फ्रेंड। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप स्किप मत करना, नहीं तो आपके पास अधूरी जानकारी पहुंच जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स शुरू से मैं हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन रहता है स्टोरेज का। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम इसको खोलेंगे ना तो इसमें हमारा कितने एमबी क्या क्या कहाँ पे यूज हुआ हुआ है ये पूरा कंप्लीट रहता है। टोटल कितना है, 150 MB है। ऐप का साइज कितना है ये दिखाया हुआ है। यूजर डाटा कितना है, मतलब जितना यूज करता है इसमें। और कुछ होता है कैचे, इसमें क्या होता है फालतू का इधर उधर का स्टोरेज बढ़ता रहता है, हमारी इंटरनल मेमोरी फुल हो जाती है, तो जहां से हम इसको नीचे क्लियर कर सकते हैं, क्लियर ऑल डाटा भी कर सकते हैं, क्लियर कैचे कर सकते हैं। ऑल डाटा करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर ही मतलब खाली हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्लियर कैच पे कर देंगे हम, तो जहां पे हम देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसको जैसे ओके कर देंगे तो ये क्लियर हो चुका है, ये देखो ये 0B आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने दूसरा फंक्शन क्या रहता है, डाटा यूजेज का। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर फालतू का बैकग्राउंड आपका ये व्हाट्सएप चलता रहता है तो उसको आप जहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसको आपने कंप्लीट जानकारी लेनी है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो में ऊपर आई बटन में जाके वहां से देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा रहता है बैटरी सेवर, ये बहुत काम का है। कई बार फ्रेंड्स हमारी बैटरी ना बहुत ज्यादा खाता है, मतलब कई ऐप ऐसे होते हैं बहुत जल्दी हमारी बैटरी को खत्म कर देते हैं, हमें बार बार चार्ज करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। इसमें भी बहुत सारे फंक्शन है। इसमें क्या क्या है, जो है सीपीयू टोटल, तो ये मतलब कि कितनी एमबी खा रहा है, 8 मिनट 2 सेकंड है ना, तो सीपीयू ये पूरा टोटल ये दिखाया गया है आपकी कितनी बैटरी कंज्यूम कर रहा है, तो जहां से आप गैस कर सकते हो भी कौन सा ऐप कितनी मेमोरी खाता है। सभी में ये फंक्शन रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे नीचे कमेंट करना कि दूसरे किसी ऐप के बारे में बताना है तो उसके रिलेटिव में वीडियो बना दूंगा, जहां से अगर ये डाटा ज्यादा बैटरी खा रहा है तो जहां से आप इसको ऊपर जाके ना क्या बोलते हैं, जो मैंने डाटा यूजेज का दिखाया था, जहां से इसको आप बैकग्राउंड डाटा जो भी है इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तीसरा रहता है ऑटो स्टार्ट। ऑटो स्टार्ट का ऐसा भी व्हाट्सएप अपने आप वर्क करता है, किसी के मैसेज आ गया तो नोटिफिकेशन भेज देता है, इसको आपने ऑटो स्टार्ट पे ही रखना है। तो जहां पे इसके आ गया ऐप परमिशन। ऐप परमिशन में फ्रेंड्स क्या होता है, ये देखो इसमें जब भी हम कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बहुत सारे अलाउ मांगता है, कई तो हमें करने पड़ते हैं, कई तो मतलब उसके बगैर अलाउ के बगैर काम ही नहीं चलता, वो काम ही नहीं करता। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे फोन में कुछ पर्सनल कुछ चीज पई रहती है तो जहां से लीक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। जहां से हमने क्या करना है, जिस जो चीज हम उसको दिखाना चाहते हैं, जिस मतलब व्हाट्सएप तो हमारे कॉल से रिलेटिव रहता है, कैमरा से, कॉन्टेक्ट से, तो व्हाट्सएप में तो ये सब फीचर हमें देने पड़ते हैं, लेकिन लोकेशन आपकी मर्जी, आप दे सकते हो नहीं दे सकते हो, जहां पे आपकी मर्जी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे का क्या रहता है फ्रेंड्स, अदर परमिशन। तो ये परमिशन ऐसी होती है फ्रेंड्स, ये हमें अलाउ कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, इससे मतलब ऐप को कोई लेना देना नहीं होता। इसमें क्या रहता है, मतलब के भी सर्विस SMS, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, जहां से है ना भी इसकी सर्विस व्हाट्सएप पे हमें मैसेज आने चाहिए, नोटिफिकेशन में नहीं आने चाहिए, इससे रिलेटिव है। और अगला है चेंज वाईफाई कनेक्टिविटी, इसको हम क्या कर सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करना है तो यहां से मतलब के एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वाईफाई कनेक्शन कभी नियर हम जाते हैं ना कैसी जगह वाईफाई कनेक्शन आ रहा है तो ये जहां पे दिखाया नोटिफाई हो जाएगा, तो आपकी मर्जी है, जहां से एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक्सेप्ट भी हो जाएगा वाईफाई, तो वहां से आपका व्हाट्सएप चलने लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला है होम स्क्रीन शॉर्टकट, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये हमारा मतलब होम स्क्रीन पे सीधा आना लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है शो ऑन लॉक स्क्रीन, ठीक है,
इसका क्या होता है भी आपकी लॉक स्क्रीन, जैसे मतलब आपकी स्क्रीन लॉक हो जाती है, लॉक होने के बाद भी जब भी कोई व्हाट्सएप का मैसेज आता है तो लॉक स्क्रीन पे दिखाता है, इसको आप जहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसका आपके व्हाट्सएप चलने ना चलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला है फ्रेंड्स, डिस्प्ले पॉपअप विंडो वाइल रनिंग द बैकग्राउंड ऐप। तो ये दिखाता है भी आपका बैकग्राउंड में अगर चल रहा है, आपका व्हाट्सएप चल रहा है, तो जहां से आपको डिस्प्ले में मतलब के लॉक स्क्रीन के ऊपर भी आपको डिस्प्ले दिखा देता है। नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी है फ्रेंड, जो जो ये वाली सेटिंग है। इसके अगली है परमानेंट नोटिफिकेशन। इसमें क्या होता है भी जो भी परमानेंट नोटिफिकेशन से जहां से भी हम अलाउ एक्सेप्ट मतलब के कर सकते हैं, मतलब के मना भी कर सकते हैं, इसके लिए व्हाट्सएप से रिलेटेड तो हमें इसको अलाउ ही रखना पड़ता है, क्योंकि कौन सा जरूरी मैसेज आ जाए, कौन सी क्या चीज आ जाए, तो ये जरूरी है जहां से आप इसको बंद और चला सकते हो। ठीक है, जहां अगला है नोटिफिकेशन, इसमें आता है, इसमें भी काफी फंक्शन है, ये भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मैं बस आपको इतने बताऊंगा। अगली अगर इसमें भी बहुत काम के रहते हैं, कैसे कैसे नोटिफिकेशन आपको चाहिए, इसके रिलेटेड मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत फंक्शन है तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है रेसिट्रिक डाटा यूजेज। इस पे क्या होता है, वही होता है भी आप व्हाट्सएप किस पे चलाना चाहते हो, मोबाइल डाटा पे या वाईफाई पे। तो अभी मैं जहां पे दोनों पे अलाउ किया हुआ है, क्योंकि हम जब भी कनेक्शन हमें वाईफाई मिलेगा तो वाईफाई पे भी चलता रहे, डाटा पे मोबाइल डाटा पे तो चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है बैटरी सेवर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत काम की सेटिंग है, इसको आप अपने फोन में करके रखिए। ये पहला होता है नो रेस्ट्रिक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई बंदे से नहीं होती भी आपका बैकग्राउंड में कितनी बैटरी खाए कितनी ना खाए, इसको तो हम नहीं मैंने आपको मैं रिकमेंड करूंगा भी इसको करो। तो दूसरा रहता है बैटरी सेवर, ये होता है रिकमेंडेड। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स भी, इसमें आपका आप जब फोन बंद कर देते हो, जब लॉक लग जाता है, तो उसके बाद भी आपका ये व्हाट्सएप चलता है तो, लेकिन बैटरी बहुत कम खाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और डाटा भी जो मोबाइल डाटा है उसको भी कम कंज्यूम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ऑन करके रखिए, आपकी बैटरी भी नहीं खत्म होगी, आपका व्हाट्सएप भी चलता रहेगा, बैकग्राउंड किसी का मैसेज आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल जाएगा। तो अगला है रेस्ट्रिक्ट्स बैकग्राउंड एप्स। इसमें क्या होता है, अगर इसमें हो करेंगे, इसमें कुछ फंक्शन तो काम करते रहेंगे, जैसे आपको कोई मैसेज आ गया तो आपने हल्का हाई हुए कर दिया, रिप्लाई दे दिया, वो तो ठीक है, इस पर हम अगर ओके करेंगे, अगर हम उसको वीडियो कॉल करेंगे या वीडियो भेजने की कोशिश करेंगे, कोई एमबी में कोई चीज भेजने की कोशिश करेंगे, तो वो जाने वाला नहीं है। तो अगला है रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी। ये तो बिल्कुल ही आपका मतलब के भी बंद कर देगा, अगर बैटरी आपकी लो है, रेड में है, मतलब 2-4% है, रह रही है, तो आपको जहां पे क्या कर देना है, रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी पे ओके कर देना, इस पे आपकी पूरी बैटरी वहां से रुक जाएगी, मतलब कि ये ऐप आपकी बैटरी नहीं खाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स अगले उसमें चलते हैं, अगले फंक्शन के बारे में, जहां ये रहता है ब्लर ऐप रिव्यू। ये फ्रेंड्स बहुत काम की सेटिंग है, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा काम की आपकी ये वाली रहने वाली है। ठीक है, और अगला है अननोन ऐप फ्रॉम अननोन सोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स भी कई बार क्या होता है भी कोई दूसरा ऐप इस ऐप से कुछ चुराने की कोशिश करता है, इसको हम हमेशा ऑफ रहता है, कई बार हम इसको ऑन कर देंगे तो दूसरे ऐप के जरिए हमारे जो डाटा चोरी होने का चांस रहते हैं आपका व्हाट्सएप पे, इसको हमने हमेशा ऑफ रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला है क्लियर डिफॉल्ट। इसमें क्या होता है भी कई बार हम खुद चेंजमेंट कर देते हैं या डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से चेंज होते हैं, जहां से हम क्लियर कर सकते हैं नहीं सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ एक और है, इसके ऊपर ये रहता आई बटन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है अपने ऐप के बारे में, तो इस ऐप का नाम क्या है, व्हाट्सएप, वर्जन कौन सा है, क्योंकि हर ऐप के अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसे न्यू अपडेट होता है तो ये वर्जन भी चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एपीके का मतलब ऐप का क्या नाम है, com.whatsapp। ठीक है, इंस्टॉल सोर्स क्या है भी, कहां से हमने इसको इंस्टॉल किया, तो ये रहता है गूगल प्ले स्टोर। तो कब हमने इंस्टॉल किया था, मतलब कई बार हमें होता है भी 4 साल हो गए हमें व्हाट्सएप चलाते हुए, 5 साल हो गए हमें व्हाट्सएप चलाते हुए, तो जहां से हमारे पास एग्जैक्ट डेट टाइम सेकंड सब कुछ पता चल जाएगा। ये देखो मैंने 2020 मतलब जुलाई महीने में मैंने इसको इंस्टॉल किया था, कितने बजे किया था, 18:35:13 पे इसको मैंने इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो लास्ट अपडेट सोर्स क्या था, मतलब कहां से मैंने लास्ट टाइम इसको अपडेट किया था, गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, और लास्ट अपडेट का टाइम भी जहां आ जाता है, मतलब के
ये मार्च महीने में ना 2 तारीख को मैंने 21 में मतलब कि इसको मैंने अपडेट कर दिया था। इसका है टाइम 18:40:41। ठीक है फ्रेंड्स, देखा ना इसमें कितनी नॉलेज होती है और हमें कुछ पता नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, भी क्या क्या कैसे कैसे यूज हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी सेटिंग है फ्रेंड्स। आप इसको अपने फोन में अप्लाई करिए और सामने वाले को ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत मास्टरमाइंड, आपको क्वालिफाइड क्वालिफाइड कहते रहेंगे ना, मतलब कि आपकी अच्छी इमेज बन जाती है। ये एक प्रोफेशनल होता है फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा बस थोड़ा सा अलग करना पड़ता है दुनिया से, कुछ अलग कोई सेटिंग करनी पड़ती है जो हमें प्रोफेशनल बना देती है। उम्मीद करता है फ्रेंड्स मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऊपर आई बटन में जाना, इससे रिलेटेड आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।